दोस्तों आज हम ड्रॉ करेंगे शेप्स। सबसे पहले एक बड़ा सा सर्कल, फिर एक ट्रायंगल, उसके बाद हार्ट का शेप और आखिर में एक स्क्वायर। शेप्स को थोड़ा और क्यूट बनाने के लिए ड्रॉ करो क्यूट सा फेस। दो आंखें और एक स्माइली। आईब्राउज को मत भूलना। प्यारे से हार्ट की प्यारी प्यारी आंखें। बहुत बढ़िया दोस्तों। अब बॉर्डर को थोड़ा सा थिक कर दो, बिल्कुल ऐसे ही। शेप तो बन गए, अब चलो इनमें रंग भरें। सर्कल में भरो ब्राइट येलो कलर। अच्छा दोस्तों, बताओ कौन सी वो चीज है जो सर्कल होती है? सोचो सोचो। हाँ, एक सन। पेंटिंग करके आ रहा है ना फन। सन के साथ साथ बॉल, अर्थ और कॉइंस भी सर्कल शेप में होते हैं। बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत अच्छा कर रहे हो दोस्तों। वुहू! तो ये बन गया हमारा येलो सर्कल। अब बढ़ो ट्रायंगल की ओर, जो होगा ग्रीन कलर का। तो अब बताओ ट्रायंगल शेप्स के कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं? पिज्जा स्लाइस होता है ट्रायंगल। मुझे पिज्जा बहुत पसंद है। पिरामिड, माउंटेन्स, नाचो चिप्स और पार्टी हैट्स भी ट्रायंगल होते हैं। ये बन गया हमारा ग्रीन ट्रायंगल। बढ़ते हैं हार्ट शेप की तरफ, जिसमें भरेंगे प्यारा सा पिंक। हार्ट शेप की कैंडीज मेरी फेवरेट है। वैसे हार्ट शेप बलून कितने प्यारे होते हैं ना? हार्ट शेप का केक भी होता है। क्या आपको बर्थडे पार्टीज में केक खाना पसंद है? यम्मी! ये बन गया हमारा पिंक हार्ट। अब आखिर में स्क्वायर की बारी, जिसे हम भरेंगे ऑरेंज कलर से। अब बताओ स्क्वायर शेप में क्या क्या होता है? ब्रेड स्लाइस और कैरम बोर्ड होता है स्क्वायर शेप का। इंद्रधनुष में भी ऑरेंज कलर होता है। ये रहा हमारा ऑरेंज स्क्वायर। तो क्या आज आपको शेप सीखने में मजा आया? फिर मिलते हैं, बाय बाय। हाय दोस्तों, चलो इस प्यारे से घर को ड्रॉ करते हैं। शुरू करेंगे एक बड़े ट्रायंगल से और फिर ट्रायंगल के थोड़ा अंदर हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, एक दरवाजा और कुछ स्क्वायर विंडोज। घर के पास एक ट्री ड्रॉ करें। अरे ये ट्री तो आइस कैंडी जैसा दिख रहा है। बारी है टू एड सम फन। ड्रॉ करेंगे हम एक सन।
कितना आसान था ये, है ना? बारी है पेंटिंग की। बनेगी हमारी ड्राइंग रंगीन। सबसे पहले लेंगे स्पार्कलिंग ग्रीन। अरे वाह, क्या बात है! ट्री ट्रंक के लिए थोड़ा सा ब्राउन। घर के छत यानी रूफ के लिए हम इस्तेमाल करेंगे शाइनी रेड कलर। लाल से हमारा घर दिख रहा है बहुत ही कमाल। और वॉल के लिए लेंगे ग्लिटरी येलो। शाइनी रेड रूफ हमारे येलो वॉल के साथ क्या खूब दिख रहा है। बहुत अच्छे दोस्तों, आप चाहो तो वॉल पर अपने मनपसंद पैटर्न्स भी ड्रॉ कर सकते हो। बहुत बढ़िया। अब लेंगे ग्लिटरी पिंक अल्टरनेट विंडो फ्रेम्स के लिए। और बाकी के फ्रेम्स पर करेंगे हमारा फेवरेट स्काई ब्लू। वुहू! हमारा दरवाजा नहीं रहेगा सिंपल, क्योंकि हम यूज करेंगे चमकीला पर्पल। बहुत अच्छे। डोर नॉब के लिए ग्रीन। अब क्या बाकी है? जी हाँ, हमारा सन। सन रेस के लिए यूज करो स्पार्कलिंग ऑरेंज कलर। और बीच के सर्कल के लिए येलो। अरे वाह, क्या बात है! ये है मेरा घर, कितना सुंदर। इसमें मैंने भरे ढेर सारे रंग। कितना सुंदर नजारा है! चलो ये सीनरी ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे सूरज चाचू और फिर कर्वी लाइंस माउंटेन के लिए। अब एक मस्त वाला रेनबो बनाएंगे माउंटेन के ऊपर। एक बड़ा सा पेड़ जो है फ्रूट से भरा हुआ। एक बोट और एक प्यारा सा छोटा सा घर। कितना सुंदर लग रहा है ना? अब नाव है तो नदी भी बनाएंगे ना? और आसपास थोड़ी सी घास। ड्राइंग तो हो गई पूरी, लेकिन कलर्स के बिना ये है अधूरी। चलो सूरज चाचू को येलो कलर से भरें। और हमारा आसमान जो कि है नीला यानी ब्लू। वुहू! अब हमारे फेवरेट रेनबो को कलर करते हैं। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। ये रंग भरेंगे माउंटेन्स में जो है ब्राउन। वाओ, हमारी सीनरी ऑलमोस्ट तैयार है। अब भरेंगे पेड़ में रंग हरा जो कि है ढेर सारे फलों से भरा। बहुत अच्छा कर रहे हो दोस्तों। इन फलों में भरो रेड कलर। पेड़ के ट्रंक में भरेंगे ब्राउन और घास में भरेंगे हरा जो कि है ऑन द ग्राउंड। ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ग्रास में कलर भर दो ग्रीन।
कितना आसान है ना रंग भरना, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। अब बारी है हमारे घर की। शुरुआत करेंगे येलो कलर से, जो जाएगा दीवारों पर, और छत में भरेंगे रेड। आर दीज ब्लू विंडोज अ परफेक्ट मैच? दरवाजा होगा पिंक कलर का। बोर्ड में भरो येलो, पीच और पिंक कलर। नीला आसमान और नीली नदी। पार नदियों के जहाँ घर है बने, इस प्यारे से घर में रहना है मुझे। क्या बात है दोस्तों। अब आखिर में डार्क ग्रीन छोटी छोटी घास के लिए। लो बन गई हमारी सीनरी। फिर मिलेंगे, बाय। हेलो दोस्तों, ये चमकीली चीज क्या है? ये है एक रूबिक्स क्यूब। तो चलो मिलकर इसे ड्रॉ करें। शुरू करें उसकी आउटलाइन से और बनाएं एक हेक्सागन जैसा शेप। अब इसमें ड्रॉ करेंगे छोटे छोटे स्क्वायर्स। पहली लाइन में बनाएंगे 3 स्क्वायर्स, फिर दूसरी लाइन में भी 3 स्क्वायर्स, और इस तरह से एक साइड पे हम बनाएंगे टोटल 9 स्क्वायर्स। अब यही रिपीट करेंगे बाकी के साइड्स पर। दोस्तों याद रहे, ये स्क्वायर्स सेम साइज के हो, वरना आपका रूबिक्स क्यूब टेढ़ा मेढ़ा बनेगा। बहुत बढ़िया। चलो अब बॉर्डर को थोड़ा डार्क करते हैं और गैप्स में भी ब्लैक कलर फिल करते हैं। इससे हमारे क्यूब को मिलेगा एक मैजिकल इल्यूशन। ब्लिंग ब्लिंग। चलो शुरू करते हैं पेंटिंग। क्यूब के होते हैं 6 साइड्स, इसलिए इसमें हम भरेंगे सिर्फ 6 कलर्स। ब्लू, ऑरेंज और व्हाइट। लग रहा है ना हमारा क्यूब स्पार्कलिंग ब्राइट। रेड, ग्रीन और येलो, क्यूब को और रंगीन बना लो। क्या बात है। रंग होते हैं कितने प्यारे, हमने भर दिए इनमें सारे।
ग्रीन, येलो, रेड और ब्लू बन गया हमारा रूबिक्स क्यूब। फिर मिलेंगे, बाय बाय। चलो बच्चों, आ गई है हमारी ट्रक। आज हम ड्रॉ करेंगे एक मिक्सर ट्रक। शुरू करेंगे गोल गोल पहियों के साथ। ट्रक के पहिये घूमे गोल 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 गोल। चलो अब ड्रॉ करें एक खिड़की यानी विंडो और स्टीयरिंग व्हील, और फिर बढ़ेंगे मुख्य भाग की ओर जो है मिक्सर। थोड़ी लाइंस और बनाओ यार। वोला, हो गया हमारा ट्रक तैयार। अब हम शुरू करेंगे पेंटिंग। स्टीयरिंग व्हील के लिए स्पार्कलिंग ब्लैक कलर और खिड़की के लिए चमकीला स्काई ब्लू। वुहू! अब बारी है येलो कलर की, जो हम पेंट करेंगे ट्रक के फ्रंट बॉडी पे। कितना सुंदर लग रहा है ना? ये जो चमकदार कलर हमें मिला है, देखो ब्लैक और ब्लू के साथ क्या खूब खिला है। पहियों के ऊपरी हिस्से के लिए पिंक कलर कैसा रहेगा? बहुत अच्छा। पहियों के बीच में चमचमाता येलो कलर। और पहियों के लिए स्पार्कलिंग ब्लैक कलर। दोस्तों संभाल कर, ब्लैक कलर येलो में मिक्स ना हो जाए। रंगीन हो गया है हमारे ट्रक का पहिया। चलो करें छैया छैया। वाओ, कितना प्यारा लग रहा है। मत करना स्पिल, क्योंकि इसमें ग्रीन और ऑरेंज करेंगे फिल। सो जस्ट चिल। मुख्य भाग के लिए रेड कलर का करेंगे इस्तेमाल। आहा, लाल होता है कमाल, इससे हमारा ट्रक दिखेगा बेमिसाल। है चमकदार चमकदार येलो कलर की बारी। तो मिक्सर के बीचों बीच चमक रहा है पीला रंग। आगे बढ़ो और इसमें पर्पल कलर भरो। बचे हुए हिस्सों में यूज करेंगे चमकदार ग्रीन कलर। आहा! ओए, मैं निकली गड्डी लेके। चलो चले कंस्ट्रक्शन साइट पे। बाय। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए चिकी आर्ट हिंदी।